बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन की जो व्यवस्था पूना पैक्ट के द्वारा हुई है, और ये हमें इसलिए दिया गया कि ये डिप्रेस क्लास के लोग कुछ आगे बढ़ सके और इस देश में अपनी हिस्सेदारी मेंटेन करके इस मुल्क इस देश के लिए कुछ अच्छा कर सकें। और मैं पूरे ईमानदार से कह रहा हूँ, SST OBC के जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं वो बहुत ईमानदार हैं और बड़ी मुश्किल से उन्हें नौकरियाँ मिलती हैं, इसलिए वो पूरी ईमानदारी से अपने काम को निभाते हैं। लेकिन आज जिस तरह के फैसले सुप्रीम कोर्ट से आ रहे हैं, तो माननीय साहब काशीराम ये कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ी एक अदालत है वो जनता की है। इसलिए मैंने 16 तारीख की मंडी हाउस से और पार्लियामेंट तक मार्च की घोषणा की कि हम वहाँ मार्च करेंगे 16 फरवरी को, और 23 तारीख का बंद बुलाने का उद्देश्य यही है कि ये SC ST और OBC का जो ये रिजर्वेशन का मामला है इसको संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए, इस पर ऑर्डिनेंस ला के ये सरकार करे। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि हमारे हितों की सुरक्षा करे, और SC ST के जितने अधिकारी कर्मचारी हैं उनको तरह तरह की उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, तो उनके साथ बहुत सारी दिक्कत है। ये मैं अगली बार भी आपको बता दूंगा कि रेड कलम फिर लगती है उनकी CR पे और वो आगे नहीं बढ़ पाते, उनके प्रमोशन नहीं होते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रमोशन जिनको मिलना चाहिए लेकिन उनका प्रमोशन रोका गया किन्हीं तरह तरह के हथकंडे अपना के इस व्यवस्था के अधिकारी कर्मचारियों ने। तो प्रमोशन रिजर्वेशन एक रास्ता था जिससे हमारे लोग आगे बढ़ पा रहे थे, लेकिन मैं कह रहा हूँ ISPCS बन सकते हैं, IPS बन सकते हैं, लेकिन आगे कैसे बढ़ेंगे कोई तरीका बता दीजिए आप मुझे। प्रमोशन रिजर्वेशन के अलावा कोई तरीका नहीं, और ये तो SC ST के साथ OBC को मिलना चाहिए, लेकिन OBC पे तो इन्होंने पहले ही सुप्रीम कोर्ट का डंडा पहले चल गया था कि OBC को नहीं मिलेगा, और क्रिमिनल लेयर तक सब चीज़ें इसमें स्टार्ट कर दी गई कि इनमें आपस में बंटवारा बना रहे। लेकिन आज SC ST के भाई OBC के भाई घर सो रहे हैं क्योंकि उनको ऑर्डर नहीं पढ़ाना उन लोगों ने, एक सॉफ्ट लाइन में लिख दिया गया लास्ट में उसमें कि SC ST OBC के लिए फंडामेंटल राइट्स नहीं है रिजर्वेशन इस देश में, जबकि बाबा साहब के द्वारा लिखे गए कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया और यह भी कहा कि डिप्रेस क्लास को आगे बढ़ाने के लिए नीतियां बननी चाहिए, उसमें प्रमोशन रिजर्वेशन उसी का हिस्सा है, और आर्टिकल 16(4)A में ये लिखा गया है। तो जैसे हमारे जज वाने और जैसे मैंने आंकड़े आपको बता दिए कि भारत सरकार में हमारे क्या स्थिति है, सेक्रेटरी में, अंडर सेक्रेटरी में क्या स्थिति है, ज्वाइंट सेक्रेटरी में क्या स्थिति है, VC जो देश के कुलपति हैं इतनी जो यूनिवर्सिटियाँ उनमें हमारी क्या स्थिति है SC ST OBC के लोगों की, ये सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कशन कर चुका, कल से और आंकड़े भी मैं दूंगा कि कहाँ कहाँ हमारी क्या स्थिति है। तो उस अभी भी से लग गया है कोर्ट को कि इनको जरूरत नहीं है, तो ये पूरा षड्यंत्र हो रहा है हमारे अधिकारों के खिलाफ। इसलिए मैं चाहता हूं कि 23 तारीख के भारत बंद में आप लोग सहयोग करें, क्योंकि ये हमारा अधिकार है, आर्टिकल 19 कहता है शांतिपूर्वक तरीके से अपना प्रदर्शन करें, अपनी बात को रखें। और मैं ये भी बता दूं तरह तरह के लोग आपके प्रदर्शन को खराब करने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए आपके बीच में आएंगे, आपको सतर्क रह के अपने प्रदर्शन को आगे बढ़ाना है, क्योंकि आज की जरूरत है हमारा ये भाजपा का जो एजेंडा था RSS का उसको कामयाब करने की चाल चली जा रही है, रिजर्वेशन इस देश से ख़त्म किया जा रहा है SC ST OBC के लोगों के लिए। तो माइनॉरिटी के भाई उनको तो मैं बिल्कुल वो करता हूँ कि वो तो बहुत हिम्मत से लग रहे हैं, NRC CA को वो पहले समझ गए, हमारे लोग नहीं समझ पाए, आज भी NRC CA को आप लोग नहीं समझ पाए। NRC CA में सबसे बड़ा नुकसान सब होगा तो सबको, लेकिन उन लोगों को होगा जो BJP के anti-BJP लोग हैं यहाँ, जिसमें SC ST OBC के लोग सबसे ज़्यादा हैं। तो इस बात में तो मुस्लिम भाई ज़्यादा अच्छे हैं कि वो सड़क पर आंदोलन करें, मुस्लिम बहनें भी, लेकिन आपको भी आना चाहिए सभी आंदोलन में मजबूती देने के लिए। तो आज का लाइव मुझे इसलिए करना पड़ा कि अगर मैं TV के माध्यम से अपनी बात भी रख दूं तो ये नहीं पहुंच पाएगी गांव तक, मैं चाहता हूं ये अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे गांव। 23 तारीख को भारत बंद है, उसका नारा भी है कि आरक्षण बचाओ देश बचाओ, NRC NPR CA हटाओ देश बचाओ, तो यही नारा है। आप बहुजनों को जुड़ के इस पर काम करना चाहिए, अपने आंदोलन को मजबूत करना चाहिए, ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है, इसको कोई हमसे नहीं छीन सकता। और बाबा साहब ने बड़ी मुसीबतों के साथ, मैं आपको याद दिला दूं, 4-4 बच्चे कुर्बान किए बाबा साहब ने, अपना जीवन कुर्बान किया, और हमारे महापुरुषों ने मंडल, ये SC के रिजर्वेशन से नुकसान नहीं था ना इनको कोई दिक्कत थी, लेकिन जब मंडल कमीशन लागू हुआ OBC भाइयों को रिजर्वेशन मिला तब से सब मेन तकलीफ स्टार्ट हुई सब लोगों को। तो इसलिए सब चीज़ें की जा रही है, मैं आपको बता दूं, सचेत कर दूं, ये इस देश के संविधान खत्म करने की पहली पहल है, पहले भी हमले हो चुके लेकिन ये सबसे बड़ा हमला है देश के कॉन्स्टिट्यूशन पे। इसको प्रमोशन में, इसको ऑर्डर को पढ़े, प्रमोशन रिजर्वेशन का मामला नहीं है,
नियुक्ति में रिजर्वेशन की बात चल रही है अब, वो कह रहे हैं ये मौलिक अधिकार नहीं है, जबकि आर्टिकल 16(4)(a) में आपका फंडामेंटल राइट है। पढ़ें कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए बनाया बाबा साहब ने कि आप लोग पढ़ें, लेकिन मुझे यही शिकायत रहती है कि आप लोग पढ़ते नहीं है। जज्बाती ना हो ये बुनियादी जरूरत है, आप सोच लें। मैंने बता दिया 1000 वैकेंसी निकलती है, अगर उसमें एक भी रिजर्वेशन सीट नहीं मिलती है ST OBC को, कोर्ट नहीं जा सकते हैं। कोर्ट जाएंगे तो बिल्कुल आपको सीरियली सुनने में मिलेगा, सरकार भी गएगी, सरकार की दया पे छोड़ दिया कोर्ट ने आपको, सरकार चाहे रिजर्वेशन दे दे और सरकार चाहे तो रिजर्वेशन ना दे, ये हुआ और ये है सत्यता। आप सभी मेरे साथियों निवेदन है कि आप आज से लगातार अपनी फेसबुक आईडी से, अपने ट्विटर अकाउंट से, अपने इंस्टाग्राम से, जो भी सोशल नेटवर्क जहाँ से आप जुड़े हैं उस पर पोस्ट करें 23 तारीख के भारत बंद के लिए, और 23 तारीख को संवैधानिक रूप से, शांतिप्रिय रूप से अपनी विरोध दर्ज कराने के लिए सड़क पर आएं। और यहाँ ये भी पता लगेगा कौन ST OBC का हितैषी है, कौन माइनॉरिटी का हितैषी है, मुस्लिम भाइयों का, बौद्धिस्टों का, पारसियों का, जैनियों का कौन हितैषी है, कौन इसमें समर्थन करता है, कौन इसका विरोध करता है, आज ये भी नजर बनाने की जरूरत है आप सब लोगों को। हम सामाजिक भाईचारे के लिए सबके साथ खड़े होते हैं, लेकिन ये भी देखना है कि कौन आपके साथ खड़ा हो रहा है, कौन आपके विरोध में खड़ा हो रहा है, किसको आपके आगे बढ़ने से परेशानी है, कौन किस जाति धर्म के लोग हैं वो जिनको आपको दिक्कत हो रही है। इस पर भी मेरे साथियों से निवेदन है कि वो वॉच करें, अब कौन सी पार्टी आपके अधिकारों का समर्थन कर रही है और कौन इसका विरोध कर रही है, ये आज देखने की जरूरत है। तो 2 तारीख मैंने बताई, 16 मार्च, 16 फरवरी को मार्च है हमारा, 16 फरवरी दिन रविवार को मार्च रहेगा, मंडी हाउस से पार्लियामेंट स्ट्रीट तक, उसकी परमिशन भी होगी, और 23 तारीख को भारत बंद है। यह आपके बुनियादी अधिकारों की बात है, इसमें आप लोग कमर कस लें, संवैधानिक तरीके से आपको अपने इस आंदोलन को मजबूत करना है, और आज के बाद आप घर से निकलें और जाके लोगों को जगाएं और बताएं तो मुल्क में क्या चल रहा है। देश के सामाजिक न्याय के ढांचे पे बड़ा हमला किया गया है, इसको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे बच्चे जो पढ़े लिखे बच्चे घूम रहे हैं ये सोच रहे हैं कि नौकरी मिलेगी, सरकार नौकरी नहीं देगी आपको, सरकार आपके सवाल का सामना नहीं कर सकती, बेरोजगारी का, महंगाई का, भ्रष्टाचार का, एजुकेशन का, GDP का, इसका सामना कर नहीं कर सकती थी, इसलिए ये CNRC ले आए जल्दी। लेकिन ये एजेंडे में किस तरह से देश के दलित पिछड़े आदिवासी गुलाम बनाया जाए, ये जो हमारे थोड़े से बैकवर्ड क्लास में जो साथी आगे निकल गए, जैसे गुजर हैं, जाट हैं, कश्यप हैं, मौर्य हैं, साके हैं, कुशवाहा हैं, पटेल हैं, सैनी भाई, ये जो आगे निकल गए इनको कैसे दबाया जाए वापस, कैसे इनको गुलाम बनाया जाए, ये तरीका ढूंढा जा रहा है। तो ये अपने तरीके पे काम करें, अब हमारे लोग चाहें कि वो एक बार पढ़ें और जानें, ये झूठ ना, मीडिया का झूठ ना सुने, आप खुद ऑर्डर को पढ़ लें और देखें क्या लिखा गया है। ST OBC का रिजर्वेशन, ना कि प्रमोशन में रिजर्वेशन, ये बता रहा हूँ, गौर करें, रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट्स नहीं है, सरकार चाहे और सरकार को बाउंड नहीं है, सरकार दे, सरकार चाहे तो दे, सरकार चाहे तो ना दे, ये है। अब आप पे 2 रास्ते हैं, क्या तो आप अपने अधिकारों को बचाने के लिए सड़क पर आएं, या फिर घर में बैठ के ऐसे आराम से पानी पिए, चाय पिए, दूध पिए, क्योंकि अभी भी आपके पास हो सकता है, लेकिन आप अपने आने वाली पीढ़ियों को क्या देके जा रहे हैं ये सोचें। और अगर आप इन छिनते अधिकार से खुश हैं तो खूब मिठाई खाएं और खूब मिठाई बांटें, चाहे मंदिर के घंटे बजाएं या कुछ भी करें, ये आपकी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी। मैं रोज आके आपको बताऊंगा कि कहां कहां पहुंचे हम रिजर्वेशन की दम पर। और ये जो हमारे SC ST और OBC के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हैं, मैं इनसे भी कहूंगा, SC ST के तो ये वो लोग हैं जो बाबा साहब के दिए रिजर्वेशन, पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बदौलत पहुंच रहे हैं वहां, तो आपकी तो बड़ी जिम्मेदारी बैठती है, आपके घरों का घिराव करना पड़ेगा, सवाल पूछना पड़ेगा, क्योंकि आप वहां क्या कर रहे हैं, हमारे अधिकार छीन रहे हैं। लेकिन ये जो OBC के भाई, इनको भी कह रहा हूं कि ये भी जागें, आपके आने वाले बच्चों के भविष्य का सवाल है। जिस तरह की पार्शलिटी होती है, आप 400 में से नंबर ले आएंगे 350 कंपटीशन में, लेकिन जब इंटरव्यू की बात है कि 200 में से 80 नंबर मिलेंगे ST OBC के लोगों को। और ये आप आंकड़े उठा के देख लो, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, पहली बात तो मैं झूठ बोलता नहीं हूँ अपने लोगों से, आप आंकड़े उठा के देखें SC ST OBC के, और कोई भी इंटरव्यू उठा के देख लें, SC ST OBC को मिलेंगे 200 में से 50 नंबर, 70 नंबर, 80 नंबर, 90 नंबर, वहीं कंपटीशन में ये लाएंगे 400 में 350, 360, 370, लेकिन इंटरव्यू में और लोगों को मिलेंगे 150, 225, 180, तो वहां गैप पूरा होकर आपको पीछे निकालने के रास्ते बहुत हैं।
आप पे आगे बढ़ने का रास्ता एक ही था, रिजर्वेशन को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन की है। और कमाल देखिए, गजब की बात, ये बतानी बहुत भूल गया था मैं, 9 जज की बेंच का फैसला, 7 जज की बेंच का फैसला, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का फैसला, 2 जज बदल देते हैं। क्या कमाल हो रहा है देश में, ये हुआ है, इसको एक बार जान लें, घर बैठे रहेंगे। आज के बाद मैं चाहता हूँ सबकी डीपी यही हो, क्योंकि ये अपने देश को आगे बढ़ाने की लड़ाई है। आरक्षण बचाओ, संविधान बचाओ, और CNRC NPR हटाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ। तो आज देश के संविधान को सबसे बड़ा खतरा और हमला हुआ है, तो आज आपकी जिम्मेदारी है। और ये भी गलत हुआ सबसे बड़ा कि CNRC NPR पे आप घर सो रहे थे, लेकिन जो लोग जाग रहे थे उनको तो धन्यवाद देना पड़ेगा, लेकिन जो सो रहे थे वो भी निकले और सड़क पर आकर आंदोलन करें। 23 तारीख को बंद है, और सरकार से मेरी आग्रह है कि इससे पहले वो ऑर्डिनेंस लाए इस पर, और इसको संविधान की नवीन सूची में डाल दे, जिससे कि न्यायिक हस्तक्षेप इसमें बिल्कुल बंद हो जाए। ये हमारा अधिकार है, भीख नहीं है, रिप्रेजेंटेशन आरक्षण, इसको कोई नहीं छीन सकता हम लोगों से। तो ये मेरे भाइयों को पता नहीं था, इसलिए बताने के लिए मुझे लाइव आना पड़ा। और मुझे पता टीवी के माध्यम से नहीं जा सकती, तो इससे जाएगी, इससे आप खूब शेयर कर दें, इतना शेयर करें कि हर घर तक पहुंच जाए, क्योंकि आज के समय मल्टीमीडिया फोन सब जगह पे है, और बहुत सारे सभी लोग फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, सब जगह है, फिर यूट्यूब वगैरह, जैसा भी करें, आप ही आपकी जिम्मेदारी इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने की। और 23 तारीख तक सोए मत, घर घर जाकर लोग तैयार करें, बंद है, बंद है, बंद है, अपने अधिकारों के लिए। तो और मैं ये भी बता दूं, अब ये भी देखना है कौन सी राजनीतिक पार्टी हमारे बंद का समर्थन करती है, कौन विरोध करती है, और जो विरोध करता है उसका उसका भी ध्यान रखेंगे, जो हमारे अधिकारों के लिए हमारे साथ नहीं खड़ा वो हमारा विरोधी है, ये याद रखें, इसका आप बिल्कुल नोटिस बना लें। आप सवाल नहीं करेंगे तो आपके अधिकार ऐसे छिनेंगे लगातार। तो मैंने इस जंग की शुरुआत कर दी है, जो अधिकारों की जंग है, ये अब इसको आगे कैसे बढ़ाना और जीतना कैसे है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। लेकिन मैं बता दूं, जिन जो लोग सोए रहते हैं उनके अधिकार छीनते हैं। तो आप सो रहे हैं, आपको नहीं पता कि क्या हो गया है, आपको लग रहा है जिनकी नौकरियां नहीं, कि प्रमोशन रिजर्वेशन का मामला है, नहीं भाई, नियुक्ति में रिजर्वेशन का मामला है। नौकरियों में अब रिजर्व सीटें नहीं मिलेंगी, वहीं आर्थिक आधार पर आरक्षण की जो सीटें हैं वो सब चलेंगी। और मैं सभी राजनीतिक दल के जो नेता, उनका भी, उनसे भी समर्थन की मांग करता हूं कि वो भी समर्थन करें, SC ST OBC और माइनॉरिटी के जितने नेता, उनसे भी मैं, ये मेरा निवेदन है कि वो भी समर्थन करें, ये हमारा हक की बात है, हमारे अधिकारों की। जब तक इस देश में जाति व्यवस्था रहेगी तब तक इस देश में आरक्षण रहेगा, कोई इसको नहीं बदल सकता ना छीन सकता, और जनता है सबसे बड़ी, लाख हजार बार गलती हो चुकी है कोर्टों से, कोर्ट सर्वोच्च नहीं है, सर्वोच्च जनता है, जो जनता चाहेगी वो होगा। और मैंने बता दिया, आंकड़े आपको दे चुका हूँ, फिर आपसे मुलाकात होगी लगातार, मैं इसी फेसबुक अकाउंट के जरिए आपको मैसेज देता रहूंगा कि किस तरह से वो पूरे उसको करना है। लेकिन मेरी निवेदन है, जितने साथी देख रहे हैं उसको, एक तो प्रचार प्रसार करें और घर से निकलें, फेसबुक ट्विटर के जरिए अपना मैसेज पहुँचाएं, गवर्नमेंट सब देखती है। सेकेंडली, आप घर से निकलें और अपने लोगों तक इसका प्रचार प्रसार करें, जो 23 तारीख को बंद ऐतिहासिक हो, और शांति ब्रेक बना कर रखें, सतर्क रहें, तरह तरह के लोग आपके आंदोलन को बदनाम भी करेंगे और उसमें हिंसा भी करा सकते हैं, लेकिन ये अधिकारों की लड़ाई है। पहले भी कुर्बान दी 2 अप्रैल को, तो मेरी बहुत बहुत मंगल कामना आप सब लोगों को, लेकिन उन लोगों को जो जाग रहे हैं, जो सो रहे हैं, उनको क्या मंगल कामना दूं। बाबा साहब ने कहा था कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, आज पढ़े लिखे लोगों को मौका है कि वो अपनी जिम्मेदारी अदा करें, और बाबा साहब ने ये भी कहा था, ये कहना पड़ रहा है आप लोगों से, कि मैं बड़ी मुश्किल से इस कारवा को यहाँ तक लेके आया, अगर आप इसे आगे नहीं बढ़ा सकते, इसको पीछे मत जाने, ना आज ये पीछे जा रहा है, खत्म हो रहा है जो बाबा साहब ने आपको दिलाया था, अब यहाँ वही चलेगा जिसकी इतनी संख्या बारी, उसकी इतनी हिस्सेदारी। SC ST OBC के आरक्षण को नवीन सूची में डालो, वरना सरकार कुर्सियां खाली करे। ये अब यही दोबारा से मंडल कमीशन के नारे लोगों के कानों में गूंजेंगे, ये अब देखने को मिलेगा, और हम इस लड़ाई को और मजबूत लड़ेंगे, अपने OBC भाइयों की लड़ाई को पूरी मजबूती से लड़ेंगे अब हम, और CA NRC NPR ये भी पूर्ण रूप से खत्म कराएंगे। ये लड़ाई तभी खत्म होगी जब CA NPR और NRC खत्म होगा, क्योंकि ये एक तरह के वोट का अधिकार छीनने के लिए है पूरा, इसको मैं बार बार समझा चुका हूँ, आप लोग इसको मजाक में ले रहे थे, ऐसा ना हो आप मजाक में लेते रहे, सरकार आपके रास्ते ही बंद कर दे, तो दोबारा से गुलाम बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। ये मेरा SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों से है कि जाग जाएं,
ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ वो चाह होगा जो जनता चाहेगी। किसी का भी देश को तोड़ने वाले का झंडा नहीं होगा। और मैंने ये स्पेशल इसलिए किया, ये दोनों डेट इसलिए तय की 16 तारीख को संडे का दिन है, SC ST OBC के कर्मचारी छुट्टी पर रहेंगे और पढ़े लिखे लोग भी, उनके स्कूल कॉलेजों की छुट्टी रहेगी। और 23 तारीख का जो बंद है वो भी इसलिए बुलाया गया इस डेट में, आपकी सुविधा को ध्यान में रखते, जबकि ये तो रोज होना चाहिए जब तक सरकार इस पर ऑर्डिनेंस नहीं लाती और इस पर कोर्ट वापसी नहीं करती। रिव्यू पिटिशन में भी गए हैं, लेकिन जन आंदोलन करके जनता की भावनाओं भी कोर्ट को दिखानी पड़ेगी हमें। तो मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं, निकलें समझे और सड़क पर आएं, आंदोलन करें 16 फरवरी 23 फरवरी। जय भीम, जय भारत, जय फूले, जय बाबा साहब अम्बेडकर, जय साहब काशीराम, जय भीम आर्मी, जय संविधान, और संविधान की सुरक्षा के लिए संविधान के सिपाहियों को मेरा ये निवेदन।